हेलो गाइस, मैं हूं एक्स्ट्रा टैलेंटेड द ग्रेट शहबाज सिद्दीकी और आज मैं आया हूं अपने होम टाउन से लगभग 20 किलोमीटर दूर गया शहर में। जी हां, मैं बिहार के गया जिला से हूं। बहुत सारे आते हैं आप लोगों की कि मैं कहां से, आज बता दिया, याद रखना। आप सब मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स देखते हैं उनमें से 90% प्लांट्स मैं गया से ही लेकर गया हूं। कसम से प्लांट्स कैसे झुंड में देखकर मेरे फेफड़े और दोनों किडनियां साथ साथ डांस करने लगते हैं। विंटर का सीजन था तो सीजनल प्लांट्स भर भर के मिल रहे थे, पर मुझे सीजनल प्लांट्स से ज्यादा परमानेंट प्लांट्स पसंद है। गुलदौदी, डहलिया, डायंथस, थूजा, क्रिसमस ट्री एंड मेनी मोर। पर सच कहूं तो ये भाई सब एक्स्ट्रा कॉस्टली दे रहे हैं, तो आप सब सतर्क रहना। बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि जब आपको किसी चीज का रियल रेट पता हो तो फिर आप जानबूझकर एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें। पर मुझे पता है, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं अच्छे खासे पैसे लुटाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आज मैं कौन कौन से प्लांट्स परचेज करने वाला हूँ। रोड के जस्ट अपोजिट साइड भी एक भाई साहब प्लांट बेचते हैं, तो मैं यहाँ से लेने वाला हूँ। रोड पार करके मैं इनके पास आया और आते ही मुझे एक प्लांट दिख गया जो मैं कब से खोज रहा था। मैं क्या करता हूँ कि खरीदने से पहले मैं सारे प्लांट्स को घूर घूर कर देख लेता हूँ, ताकि कोई प्लांट जो मैं ढूंढ रहा था वो होते हुए भी मुझसे छूट न जाए। इनके पास भी ढेर सारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स थे, डिफरेंट साइज के मैरीगोल्ड्स और गुलदौदी के भी बहुत सारे कलर्स हैं। काश मेरा गार्डन जमीन में होता, जगह भी भर भर के होता, तो मैं सारे के सारे खरीद लेता। बोगनवेलिया जो आप मेरे गार्डन में देखते हैं, मैं यहीं से लेकर गया था। मोस्टली क्रोटॉन्स भी यहीं के हैं, हालांकि गया में ये कोई इकलौता रोड साइड नर्सरी नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। यहां से प्लांट्स लेने के बाद मैं वहीं विजिट करूंगा। तो चलिए देखते हैं मैंने कौन कौन सा प्लांट चूज किया है। सीजनल प्लांट्स मैं नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि मैंने जो सीड्स उगाए हैं फिलहाल उनको लगाने के लिए मेरे पास गमले नहीं हैं, तो मैं और क्यों लूं। मैं आज ज्यादातर परमानेंट प्लांट्स लेने वाला हूं। तो ये है पाइन ट्री, जिसे मैं बहुत टाइम से खोज रहा था। आज मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरा फर्स्ट प्लांट ये होने वाला है। दूसरा है ये स्पाइडर प्लांट, इसे भी मैं जरूर लूंगा। शायद ये चौथी बार होगा जब मैं स्पाइडर प्लांट लेने वाला हूँ। हर बार ये मुझसे मर जाता है, वो भी मेरी गलती से। अब हर महीने रिपोर्ट करूंगा तो प्लांट तो मरेगा ही ना। ये पिंक कलर का एक्सोरा भी बहुत पसंद आया मुझे, बट आई डोंट लाइक पिंक। एक्चुअली आजकल पिंक कलर के भी कई शेड्स आते हैं। तो इस भाई के पास से मैंने लिया है पिटूनिया, ये ड्रेसिना की कोई वैरायटी है। और ये है पाइन ट्री, एक क्रोटॉन और उसके पीछे एक गुलदौदी और एक स्पाइडर प्लांट। यहाँ से मैंने टोटल 6 प्लांट्स लिए हैं। अब मैं दूसरे वाले नर्सरी पर जाऊंगा। ये एकदम मेन रोड पर है और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होता है। पता नहीं शहर में रहने वाले लोग इतना शोर कैसे बर्दाश्त करते हैं, मैं तो बीमार पड़ जाऊँ। गांव की बात ही अलग होती है, मैं तो बहुत लकी हूँ। ये रहा मेरा तीसरा नर्सरी, फिलहाल इसके पास प्लांट्स कम है। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि पुलिस रोड साइड पे बेचने के लिए मना कर रही है, इसलिए कम पौधे लाया हूँ ताकि हटाने की जरूरत पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। अब इन बर्ड्स को देखिए, बचपन से मुझे प्लांट्स से ज्यादा बर्ड्स और फिश अट्रैक्ट करती थी, पर मैं परिंदों को केज में कैद करके रखने के सख्त खिलाफ हूँ। बचपन में मैंने परिंदों के लिए बहुत ड्रामे किए हैं, पर फ्यूचर में मैंने सोचा है कि इस पैरोट को एक बार जरूर पालूंगा। मैंने सुना है ये अंडे देकर बच्चे भी देता है, और एक टाइम के बाद आप इसे पिंजड़े के बाहर भी रख सकते हैं। एक बार ट्राई तो जरूर करूंगा। अब इस मार्केट को देखिए, ये मार्केट गया का फेमस चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 रास्ते हैं, शायद इसीलिए इसको चौक कहा जाता है। रुको जरा, चलते हैं फिर से नर्सरी पर। यहाँ पर हर वक्त भीड़ होता है। शहरों की यही बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बॉम्बे में तो मैं शांति के लिए तरस जाता था, क्योंकि मेरी शांति तो बिहार में है। चलिए हम फिर से आ गए हैं अपने नेक्स्ट वाले नर्सरी में। इनके पास ज्यादातर परमानेंट प्लांट्स हैं और इनके रेट भी एकदम जेन्युइन है। मन तो कर रहा है ट्रक लेकर आऊं और सब खरीद लूं, पर ट्रक नहीं है मेरे पास, बस से लेकर जाना है। इनके पास एरिका पाम और रबर प्लांट भी है। किसी के घर पर मैंने रबर प्लांट का एक पेड़ देखा था, इसका मतलब ये काफी बड़ा होता है। इस वाले नर्सरी में आज मैं पहली बार आया हूँ। इस बार कंफ्यूजन में मैं कोलियस नहीं ले पाया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेम कलर के मेरे पास हैं, पर घर आकर देखा तो डिफरेंट कलर था। मेरे साथ तो मौज मौज हो गया। वैसे विंटर के प्लांट्स लेना खतरे से खाली नहीं होता, तो सोच समझ कर लेने वाला हूँ। पता नहीं प्लांट्स देखकर मुझे हो क्या जाता है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि इन प्लांट्स से मेरा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। कमाल की बात तो ये है गाइस कि मैं इतने सालों से कंटिन्यू गार्डनिंग करने के बावजूद अभी भी मैं दुनिया के सारे 100 प्लांट्स नहीं देख पाया हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अब हो गया, सारे देख लिए मैंने, दुनिया में बस इतने ही प्रकार के प्लांट्स होते हैं, तभी किसी न किसी ऐसे प्लांट पर नजर पड़ जाती है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा हो। वैसे इस मरून कलर के रबर प्लांट पर सालों से नजर गड़ाया बैठा हूँ, हर बार सोचता हूँ अगली बार ले जाऊंगा। तो चलिए अब घर चलते हैं। अब यहाँ देखिए, रास्ते में मुझे ये दिखा, यहाँ मुझे कुछ यूनिक चीजें नजर आईं। यहाँ पर जो भी चीजें आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें मिट्टी की बनी हुई है। शॉकिंग तो ये है कि इनमें से कुछ चीजें तो लग ही नहीं रहा है कि ये मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पर तवा और कढ़ाई भी मिल रहा था।
था, पर मेरा मन मिट्टी से बनी इस जीप पर बार बार जा रहा था। बट सैडली मैं उसे नहीं ले पाया क्योंकि मिट्टी की चीजें मैं अभी प्लांट्स के साथ नहीं ले जा पाऊंगा। मैं घर जाने के लिए वापस बस में आकर बैठ गया हूँ, पर इन प्लांट्स को सेफ रखने के लिए मुझे बस में एकदम पीछे आकर बैठना पड़ा, क्योंकि अगर मैं बस में आगे की तरफ बैठता तो बाकी पैसेंजर्स आते जाते मेरे प्लांट्स को धक्का मारते। सच में गाइस, थैला बहुत भारी हो गया है। ये प्लांट्स बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा घर और कितना दूर है, और मैं इन्हें बार बार दिलासा दे रहा हूँ कि बस 5 मिनट और। सो गाइस, फाइनली मैं प्लांट्स लेकर दुकान पर आ गया हूँ। अब यहाँ से घर जाऊंगा, लेकिन प्लांट्स ज्यादा है तो पूरा एक दिन में घर पर लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आज मैं 4 प्लांट्स को ही घर पर ले जाऊंगा। फर्स्ट वन इज पाइन ट्री, सेकंड ये है और ये डिनर की कोई वेरायटी है, उसके बाद ये रेड और ग्रीन पत्तों वाला क्रोटॉन, और लास्ट वन इज स्पाइडर प्लांट। बाकी जो थैले में है वो सब कल घर जाएगा। जो थैले में है उसे भी मैं निकाल देता हूँ। लुक, पहला क्रोटॉन की एक वेरायटी है, लुक एट इट्स यूनिक शेप्ड लीव्स। नेक्स्ट इज एरेलिया, एक्चुअली इट्स वेरीगेटेड। उसके बाद इस येलो गुलदाउदी को देखिए, इसकी पंखुड़ी थोड़ी डिफरेंट है इसीलिए मैंने इसे ले लिया। अगला ये भी एरेलिया की ही प्रजाति का है, लुक्स इस गॉर्जियस लुक। नेक्स्ट है ये गोल्डन डस्ट क्रोटॉन, क्रोटॉन की वेरायटी में ये सबसे कॉमन और हार्डी होता है। नेक्स्ट ये भी एक गुलदाउदी ही है, इसे मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि इसके फ्लावर्स आर्टिफिशियल दिख रहे थे, और इसे तो आप पहचान ही रहे होंगे, इसके तो मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं। प्लांट्स तो देख लिया आपने, अब चलते हैं घर। फॉर्चुनेटली घर आते आते रात हो गई। रात होने से मेरा क्या फायदा हुआ वो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा ताकि अम्मी को समझ ना आए इफ शी वॉचेज माई वीडियो। एक्चुअली दिस टाइम नंबर ऑफ प्लांट्स वॉज सो हाई, इफ आई हैड टेकन ऑल द प्लांट्स एट द सेम डे आई वुड हैव बीन बीटन एट होम। एज यू नो आई एम द मोस्ट टैलेंटेड एंड एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स, सो आई मेड अ प्लान। अकॉर्डिंग टू माई प्लान, इफ आई टेक सम प्लांट्स ऑफ देम टू द होम इन अ डे, मॉम विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई कॉन्स्पिरेसी, सेम सी वोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। प्लान नंबर टू, एट नाइट आई केम विद प्लांट्स फ्रॉम द शॉप, आई डायरेक्टली केम टू माई टेरिस एंड हेयर आई हिड मोस्ट ऑफ माई न्यूली परचेज प्लांट बिहाइंड माई ओल्ड बिग प्लांट्स, इट कांट बी सीन इजिली बाई मॉम। वन बाई वन आई विल प्लांट ऑल ऑफ देम एंड मिक्स इट टू द गार्डन सो डेट मॉम कुडंट डिफरेंशिएट बिटवीन माई न्यूली परचेज प्लांट्स एंड माई ओल्ड वंस। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो गाइज, रास्ते में लेकर आने में बहुत सारे प्लांट्स डैमेज हो गए हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।